गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने साबरमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां पर 3-4 उद्योगपतियों का राज है, ये गुजरात मॉडल लोकतंत्र पर आक्रमण, गुजरात की जनता पर आक्रमण, गुजरात ऐसा राज्य है जहां आंदोलन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव को देखते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो राज्य के किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा उनकी सरकार किसानों की 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेगी और गुजरात के 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे और लड़कियों का मुफ्त में शिक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और इसके अलावा उनकी सरकार 1,000 रुपए का LPG सिलेंडर 500 रुपए में देगी और इसके साथ ही उन्होंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही। यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान का, किसानों का बिजली बिल माफ करेगी, 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल और लड़कियों के लिए मुफ्त में शिक्षा कांग्रेस पार्टी देगी। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी ने तमाम जो बयान है वो दिए हैं, किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी पार्टी जो है, उनकी सरकार अगर बनती है प्रदेश में तो किस तरीके से जो बच्चियां हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा का जो है तोहफा सरकार की ओर से दिया जाएगा, किसानों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों के 3 लाख रुपए तक के कर्जे को माफ करने का भी ऐलान मंच से किया है। तो राहुल गांधी का गुजरात दौरा था और गुजरात दौरे के दौरान साफ तौर पर जिस तरीके से गुजरात में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया, गुजरात की सरकार पर सवाल निशान खड़ा किया, केंद्रीय नेतृत्व पर भी उन्होंने सवाल निशान खड़े किए, हमला बोला उन्होंने केंद्र सरकार पर भी। जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की ओर से तमाम नीतियां लाई जा रही हैं उन नीतियों को लेकर उनकी आलोचनाएं की हैं कि किस तरीके से यहां पर विफल साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार और किस तरीके से यहां पर तमाम जो कमियां हैं, जो खामियां हैं वो सरकार में देखने को मिल रही हैं। वैसे तमाम बड़े आरोप जो हैं वो भी मंच से राहुल गांधी ने लगाए हैं। साथ ही साथ यहां पर सौगातें देने की बात भी राहुल गांधी की ओर से कही गई है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान राहुल गांधी ने किया है। साथ ही साथ किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और 3,000 के आसपास तक जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं वो प्रदेश में खोले जाएंगे सरकार बनने पर। साथ ही साथ लड़कियों की शिक्षा जो है वो मुफ्त रहेगी इन स्कूलों में, वैसे तमाम बड़े ऐलान। साथ ही साथ LPG सिलेंडर जो 1,000 रुपए का है वो 500 रुपए में उनकी सरकार देगी, ये ऐलान भी राहुल गांधी की ओर से किया गया, यानी कि 1,000 रुपए के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी, ऐलान राहुल गांधी की ओर से किया गया। तो राहुल गांधी का ये गुजरात दौरा बेहद अहम अपने आप में माना जा रहा है, किस तरीके से पार्टी गुजरात में अपने आप को मजबूत कर रही है, लगातार बूथ लेवल स्तर पर काम किए जा रहे हैं, बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी जो है जमीन तलाश रही है गुजरात में और इसी कड़ी में आपको बता दें कि राहुल गांधी गुजरात दौरे पर है, इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और साथ ही साथ यहां मंच से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश और उत्साह जो है वो भरा यहां पर राहुल गांधी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर कार्य करने की हिदायत यहां पर दी गई राहुल गांधी की ओर से।